Hi kids, today we are here to take up the second lecture of determinant. आज हम exercise 4.2 शुरू करने वाले हैं, which are based on the properties of determinant. जिसमें determinant की properties हैं, total 8 properties हैं. आज हम 4 properties लेके उन 4 को explain करेंगे. ये 4 properties हैं. उम्मीद करूँगा सब इसकी short लेके इसको लिख ले अच्छे से, ध्यान से देख के. ये 4 properties, 1, 2, 3, 4, fine. ओके, नाउ स्टार्टिंग अप विद, उम्मीद करता हूं सबने लिख ली होंगी इसको. नाउ स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट वन कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए. तो दैट मीन्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से मी, वो मेरे को क्या कहना चाहता है. वो कहना चाहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. Determinant of A, determinant of A transpose दोनों बराबर होंगे. Now, then what we have the next one, इसको मैं बाद में आपको explain करता हूँ. This says that if two rows or column of a determinants are interchanged, कोई भी दो row या column को अगर हम interchange करते हैं, then the determinant value remain absolute, it remains same. अगर कोई भी दो row या column आपस में interchange होंगे, तो उसमें determinant value remains same. उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट इट्स साइन चेंजेस. अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, इफ एनी टू रोज और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, देन इट्स वैल्यू इज व्हाट, जीरो. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. फोर्थ सेज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k, कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant. ठीक है, इन चारों को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे कैसे होते हैं. देख लीजिए, ध्यान से देखिए. पहला पॉइंट, रबिंग इट आउट, रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज विद यू. मैंने जब एक्सपैंड किया तो मेरे पास क्या आता है, वन. फिर मेरे पास क्या आएगा, वन करेंगे तो आएगा टू फोर थ्री वन. नाउ देन आई एम एक्सपैंडिंग इट अलोंग फर्स्ट रो. ठीक है, then minus 2, it is 3, 4, 4, 1. ठीक है, then we have 3 plus 3, plus 3 के बाद क्या बचेगा, 3, 2, 4, 3. This is what we have, 3, 2, 4, 3. ठीक है, now what I get from here, यहां से क्या आता है, 1, this comes out to be 2, minus 12, minus 2, this is 3, minus 16, plus 3. This is 9 minus 8. Now this comes out to be what we get, minus 10. This comes out to be what we have, 26. This comes out to be what we get, 3. ठीक है, तो अब मेरे पास ये टोटल क्या हो गया, दिस इज वॉट, 29 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी वॉट, 19. क्या आया, 19 आया. अब मैं इसको एक और तरीके से, ध्यान रखना, अब इसका A ट्रांसपोज, दिस वॉज डिटर्मिनेंट A. अब मैं यहां पे लेता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 1. नाउ व्हाट आई हैव, नाउ इफ आई एक्सपैंड अप, अगेन आई एम एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो. आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ एक्सपैंडिंग इट अलोंग फर्स्ट रो, 1, तो ये क्या आता है, 2, 3, 4, 1. देन वी हैव, दिस इज माइनस, minus 3, this comes out to be 2, 3, 3, 1. Now next we have, that is 4, plus 4, this comes out to be 2, 2, 3, 4. Now what I get from here, I hope this is clear to everybody. 1 liya, 1 ko liya, diye dono liye, fir ye minus hota hai, as I explained you in the first video why it is like this. This is 2, 3, 3, 1. Then we have 4, it is 2, 3, 2, 4. Now if I expand out, what I get, 1, this is 2, minus 12, this is minus 3,
दिस इज 2 माइनस 9, दिस इज 4, दिस इज 8 माइनस 6, विच कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, ये मेरे पास क्या आता है, दिस इज माइनस 10, दिस कम्स आउट टू बी 2, ये क्या हुआ माइनस 7, प्लस ये क्या होगा माइनस 3, दैट इज 21. नाउ नेक्स्ट वी हैव 4, दिस इज 2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 8. Now if I see in this case this is 29, it comes out to be what 19. तो हमने पहले ये दो क्वेश्चन से, first इससे, पहले इससे और फिर इससे, ये हमने प्रूव कर दिया कि determinant of A is equal to determinant of A transpose, which is a first property. What it says, the value of determinant remains unchanged if rows or and columns are interchanged. ठीक है? Now we are coming on to the second property. Second property क्या कहती है? ध्यान से देखना. जहां पे भी आपने इसको लिखा हुआ है या फोटो क्लिक की हुई है तो उसको ध्यान से देखें. व्हाट द सेकंड प्रॉपर्टी सेज टू यू, आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड. वो कहता है कभी भी दो, कोई भी दो रो या कॉलम अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम बट इट्स साइन चेंजेस. कोई भी दो रो या कॉलम, ठीक है? नाउ आई स्टार्ट विद इट. हम चाहे तो पुराना वाला भी ले सकते हैं बट आई डोंट रिमेम्बर हमने क्या लिया था उसको. डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इज 1 2 3 3 2 4 4 3 1, दैट्स व्हाट आई हैव, आई थिंक वही है शायद. Now if I open up this determinant, this is 1, ये क्या आएगा 2 4 3 1, then we have minus 2 which comes out to be what 3 4 4 1, then next one it is what 3, next क्या है it is 3 क्या कहता है it is 3 2 4 3. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 1, this comes out to be 2 minus 12 minus 2, this is 3 minus 16, this is 3, this is 9 minus 8, this comes out to be what we have minus 10, ये कितना आया minus 13, तो ये क्या है 26, and this comes out to be what 3, तो ये तो वही है question, that means it is 19. अब कहते हैं कोई भी दो row interchange करो, ऐसे मान लो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे R1 tends to R1. कोई भी दो रो इंटरचेंज कैसे होता है, इंटरचेंज में वी यूज दिस साइन. इफ आई इंटरचेंज R1 और R2 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो यहां पे क्या आता है, ध्यान से देखना यहां पे, सॉरी इसको मैं सिर्फ अभी डिटरमिनेंट ए नहीं लिख रहा हूं, यहां पे इंटरचेंज किया ये क्या आया 3 2 4 1 2 3 4 3 1, दैट्स ओके. Now what I get from here, ध्यान से again 3, पहले 3 को लिया, first row से expand कर रहा हूँ, 2 3 3 1, then we have next minus 2, it is what 1 4 3 1 1 4 3 1, then we have what 4, then we have what 4 plus 4 plus 4 में क्या आएगा 1 4 2 3 1 4 2 3, that's what we have. Now when I expand up, तो ये क्या आता है 3, this is 2 minus 9, this is minus 2, 1 minus 12, this is 4, this is 3 minus 8, this gives you what we have, this is minus 7, that is minus 21, this comes out to be what we get, ye kya tha minus 10, that is plus 20, then we have the next one, next mere paas kya tha 4 and 5, this is minus 25, so what it comes out to be, dhyan se dekhen kya kya aayega 5, ye to kahin kuch gadbad hai, 2 माइनस 7 2 9, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट माइनस 21, देन वी हैव माइनस 2, दिस इज व्हाट 1 माइनस 12, दैट मेक्स इट 11, ये कितना आता है, दिस इज व्हाट वी हैव माइनस 11, दैट मीन्स इट इज 22, नाउ इट इज 22, तो ये कितना आएगा 22, दिस इज लेफ्ट विद यू इज व्हाट, एंड द लास्ट वन वी चेक आउट अगेन, इट इज 4, दिस इज 3 माइनस 8, that is minus 5, 3 minus this comes out to be what 20, now it comes out to be what we are having, this is what, ये कितना आया, ध्यान से देखें, ये कितना आया मेरे पास 20, तो ये क्या बन गया minus 19, कितना आया minus 19 is my answer in this particular case. Now
व्हाट आई गेट। अब यहां से मेरे को ये पता लगा अगर मैं कोई भी दो रो इंटरचेंज कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन सेम, ये 19 का 19 ही रहा, बट चेंज किस में आ गया, साइन में चेंज आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा इफ आई अगेन रीडू इट, अगर मान लो जैसे मान लो मैं इसको आगे R2 इंटरचेंजेस टू R3 करता हूं तो ये क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 4, दिस इज 4, 3, 1, दिस इज 1, 2, 3। अब इसको एक्सपैंड करके देख लेना ये क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ये दोबारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसको मैंने इसको चेंज किया है, ये -19 था, अगर दो रो दोबारा इंटरचेंज हुए देन वी आर बैक टू व्हाट, 19 इन दिस केस। टेक केयर ऑफ इट, सेम थिंग वी हैव इट इवन इन कॉलम आल्सो, अगर मैं इसको कॉलम में भी ट्राई करता हूं कॉलम में भी पॉइंट सेम आते हैं, ध्यान से देखना इसको, हाउ वी प्रोसीड अप इन कॉलम, कॉलम में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव, कॉलम में मेरे पास क्या आता है, इट गिव्स अस व्हाट वी आर हैविंग, 2, जैसे मैंने यहां पे चेंज किया C1 चेंजेस टू C2, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 1, इट गिव राइज टू, इसको सॉल्व करोगे तो वापस आंसर -19 आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर C2 चेंजेस टू C3 लेता हूं तो दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव, 2, 2, 3, दिस इज 3, 4, 1, दिस इज 1, 3, 4, तो ये वापस आंसर मेरे को क्या देगा, 19 देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड क्या थी, अगर मैं कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करूंगा इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम बट देर इज अ चेंज इन साइन, देर इज अ चेंज इन साइन। नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखना, थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट इट सेज, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो, अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका आंसर जीरो आएगा। ध्यान से देखें, व्हाट आई टेकर डिटरमिनेंट ए, ये क्या आता है, दिस गिव्स अस 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 3, मैंने यहां पे आइडेंटिकल क्या लिया, रो वन एंड रो थ्री, अगर रो वन और रो टू भी होते तो भी सेम आता, ध्यान से देखें। Now I'll expand of this. अब मैं इसको अगर expand करूँगा, this gives us 1. I have 1. I'll expand it along first row. Now, what I'll get from here? 2, 4, 2, 3. Now next we have minus 2. Minus 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3, 1, 4, 3. Then next we have is what? Next मेरे पास क्या आता है? This is 3. It gives us what we are having. 3, 1, 2, 2. That's what we get. ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, दिस इज व्हाट वी हैव, 6 - 8 - 2, दिस इज 9 - 4, दिस इज 3, दिस इज 6 - 2, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव, -2, ये कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, -10, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट, 4, एंड दैट इज 20, द आंसर कम्स आउट टू बी 0। कोई भी दो रो, जरूरी नहीं कि यही दो रो, ये दो रो सेम हो जाए, ये दो रो सेम हो जाए, कोई भी दो रो सेम है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सेम वे इफ आई टेक इट अप इवन द कॉलम आल्सो, जैसे मैंने यहां पे लिया, इसको क्या लिया मैंने, 1, 2, 3, 3, 5, 7, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आप एक्सपैंड करके देख लेना, इसका आंसर भी जीरो आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज व्हाट, जीरो। टेक केयर, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k times the value of original determinant, then the new determinant is k times the value of original determinant. Now just see this one, ध्यान से देखना आप carefully इसको, मेरे पास क्या आता है, now इसको अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास क्या आया, लाइक हम फिर से कोई पुराना वाला determinant लेते हैं, I think it was 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5,
4-2-1 मैंने ये डिटरमिनेंट किया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, नाउ इसको इफ आई एक्सपैंड अप, इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, दिस इज व्हाट 1, दिस इज 4-2-5-1 नेक्स्ट वी आर हैविंग -2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट 3-4-5-1 ठीक है। दिस आई राइट डाउन इज 5, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 ठीक है। Now next we have, this is what, 3 plus 3, what I get from here, 3-4-4-2, that's what we get, take it down, what I get from here, ye kya aega 1, this is 4 minus 10, minus 2, this is 3 minus 20, this comes out to be, this is plus 3, this is 6 minus 16, so this comes out to be what we have, -6, -2, this is what we get, -17, this is 3, this is -10, this gives us -6 plus 34, -30, so agar aap isko bade dhyan se dekhenge, ye kitna hua, 4 reh gaya, 4 minus 6, it is -2, I hope this is clear to you, ab isi ke andar agar main kya karta hu, bade dhyan se note karna isko, agar main R1 ko, R1 tends to 2 times of R1 कर देता हूँ, अब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा इस केस में, ध्यान से देखना, इसमें जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 2, 4, 6, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3, 4, 5, दिस इज 4, 2, 1, ध्यान से देखते जाना बच्चे प्लीज, केयरफुली प्लीज, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कंफर्म है, क्योंकि मैंने क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो फाइनल आंसर है वो भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस मेरा आंसर 4 आना, -4 आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं आता, देखें ध्यान से, नाउ 2, दिस इज 4, 2, 5, 1, दिस इज व्हाट, -4, दिस इज व्हाट वी गेट, 3, 4, 5, 1, now next we are having, this is what, plus 6, it'll give us what we have, 3, 4, 4, 2, now what I get from here, mere paas yahan pe kya aata hai, 2, this is 4 minus 10, minus 4, this is 3 minus 20, this is plus 6, ye kya aayega, 6 minus 16, to yahan pe mere paas kya aata hai, ye 4 minus 10 kya ho gaya, minus 6, to ye kya ban jayega, -12, now this comes out to be what we get, 3 minus 20, it is what, -17 into 4, kitna hota hai, -17 into 4, that gives you what we have, 68, now this comes out to be what we have, this is we get -60, ab isko bade dhyan se dekhen, to ye mere paas kya hai, this what we get, this minus this, this is 8 minus 12 karoge, this comes out to be what, -4, this comes out to be what, -4, agar main yahan pe dhyan se dekhna, R2 tends to 2 times of R2 bhi kar deta hu, agar main R2 tends to 2 times of R2 bhi kar deta hu, to dhyan se dekhna, ye mere paas kya ho jayega, 2 times kiya, 3 times kiya, to let's say 3 times kiya, 3 times kiya, agar main 3 times kiya, to ye kya ho gaya, 9, ye 12, ye 15, ye kya hai, 15, अगर आप एक्सपैंड करके देखना चाहो तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो, इसको एक्सपैंड आप कर सकते हैं 15 को, और ध्यान रखना आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखें, जो फाइनल मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, रबिंग इट ऑफ प्लीज टेक केयर, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले को 2 से किया था, 2 into -2 हो गया था, फिर इसको 3 से किया तो ये into 3 हो जाएगा, so that gives you the answer as what, -12, that gives me the answer as -12, हाँ इसको अगर मैं further लेके चलता हूँ, R3 tends to 5 times of R3, मतलब मैंने आखिरी रो को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना, 2, 20, this comes out to be 10, this is 5, जो ये आंसर होगा ये क्या होगा, into 5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -4, -12, 10 into 5, that is -16, that's what we have, ठीक है, तो ध्यान रखना, and same way this column wise also, अगर ये column से multiply होता तो वो, जैसे मान लो इसको 2 से करते तो ये -4 होता, इसको 3 से करते तो -2 into 3 हो जाता,
सॉरी 2 × −2 × 3 हो जाता। ऐसे इसको हम 5 से करते तो क्या बन जाता, 2 × −3 × 3 × 5। दैट्स व्हाट वी हैव। आर यू क्लियर विद दिस? 2 × −2 × 3 × 5 अगर हम कॉलम वाइज भी चलें। सो बी केयरफुल, रिमेंबर वन रूल, दैट इज इफ अ रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन द डिटरमिनेंट वैल्यू इज के टाइम्स ऑफ इट। इफ आर रो, अगर दो रो के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर तीनों रो के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू के क्यूब टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। नाउ आखिरी की थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी से मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। आखिरी की थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी से मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, बड़े ध्यान से देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है, हमने उसमें प्रॉपर्टीज में लिखा नहीं था, बट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का कॉम्बो है। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज इट यू व्हाट, इफ एनी टू रो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ एनी टू रो, एनी टू रोज और कॉलम of a determinant, of a determinant is then its value is zero, then its value is जीरो। अगर कोई भी दो रो या कॉलम क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। बड़े ध्यान से इसको व्यू करना। ये थर्ड और फोर्थ का कॉम्बो है। थर्ड और फोर्थ का कॉम्बो कैसे है, बड़े ध्यान से देखिए। मैंने लिखा इसको 1 2 3, इसको लिया 2 3 5, इसको लिया 1 2 3। ठीक है, ध्यान से देखना इसको प्लीज केयरफुली। दो रोज आइडेंटिकल है तो कंफर्म है इसका आंसर जीरो होगा। चाहो तो एक्सपैंड करके देख लो। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6, दिस इज 2 3 5। मैंने सिर्फ R1 को किया, R1 को 2 से किया, और R2 को कैसे कर दिया, R2 को नहीं, R3 को किससे कर दिया, 3 से कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 6 9। अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, दे आर इन द सेम रेशियोस, they are in the same ratio. So what I get, इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 3 × 0, तो आंसर क्या हो गया, 0। तो ये मेरे पास कॉम्बो है ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज इट यू, कोई भी दो रो या कॉलम अगर प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। इज दिस क्लियर? आज हम सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 6th property and 7th, rest of the properties will take up in the next lecture with you. Take care everybody, enjoy yourself, God bless you.